बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार तरारी विधानसभा के उपचुनाव में आज सहार प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने इकवारी, अनुआ, गुलजारपुर, छुटकी खड़ाव, अटपा सहित कई गांवों में राजग समर्थित भाजपा प्रत्याशी विशाल शांत के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया एवं सभा को संबोधित किया। सहार पहुंचने पर राजग नेताओं ने प्रेम कुमार का जोरदार स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान प्रेम कुमार ने कहा कि यहां के विधायक जब सुनील पांडे थे तो यहां के विकास की चर्चा पूरे राज्य में होती थी, यहाँ के लेकिन आज इस क्षेत्र की चर्चा दूसरे रूप में होती है। सुनील पांडे ने जितना इस क्षेत्र का विकास किया उतना आजादी के बाद किसी नेता ने नहीं किया था। यह क्षेत्र नरसंहार के लिए पहले जाना जाता था, लेकिन सुनील पांडे के कार्यकाल में विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए 5 साल जितना काम किया उतना 9 साल में लोग बर्बाद कर दिए। आज सड़कें टूटी हैं, क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग हो गई। विपक्ष के लोग बस हंगामा करना, गरीबों को ठगने का काम करते हैं। वहीं राजग गठबंधन के लोग क्षेत्र के विकास, अमन चैन, शांति के लिए काम करते हैं। एनडीए सरकार के नेतृत्व में हर वर्ग का विकास हुआ है, सभी के लिए कल्याणकारी योजना चल रही है। मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने जैसे कई योजना पर सरकार काम कर रही है। बिहार सरकार ने रोजगार में रिकॉर्ड स्थापित किया, इसलिए आपसे आग्रह करने आए हैं कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत को भारी बहुमत से जिताएं। पूर्व विधायक सुनील पांडे ने हसन बाजार, अमई, मझियाओं, सहजनी सहित कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इन्होंने लोगों से मिलते हुए कहा कि आप सबने जब भी हमको मौका दिया हमने क्षेत्र में अमन चैन, शांति व्यवस्था कायम किया, भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण हेतु प्रयास किया। हमारे कार्यकाल में कभी दंगे नहीं हुए, हर गांव में योजना का लाभ दिलवाया। आज 9 साल की स्थिति से भी आप सब अवगत हैं, क्षेत्र में विकास की स्थिति बदहाल हो गई, सड़कें टूट गई, दंगे भी हुए, व्यवसाय करने वाले लोगों को परेशान भी किया गया। इसलिए मैं आग्रह करने आया हूँ 13 नवम्बर को कमल निशान के सामने बटन दबाकर आपके अपने बेटे विशाल प्रशांत को मत देकर विजय बनाएं। राजद के कई वरीय नेता रामेश्वर चौरसिया, हुलास पांडे, पूर्व मंत्री संतोष निराला, जदयू जिलाध्यक्ष संजय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गाराज, लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान, रालोजपा के जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, ममता सिंह, पुष्पा कुशवाहा, भाजपा नेता कामेश्वर सिंह, अवधेश राम, जितेंद्र राम, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रवंशी, अशोक कुशवाहा समेत कई नेता भाजपा प्रत्याशी विशाल प्रशांत के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं तरारी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में एनडीए समर्थित भाजपा के युवा प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने बड़ी सिकरहट्टा, सिकरहट्टा खुर्द, मठिया, मुफ्ती, अरपुर, दारीडी, बागर में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान जगह जगह पर प्रत्याशी का ढोल नगाड़ों से स्वागत भी किया गया। विशाल प्रशांत ने कहा कि हम चुनाव से पहले ही सभी गांवों में घूमकर क्षेत्र के विकास के लिए योजना बना ली हैं। हमारा प्रयास होगा कि सभी का आर्थिक सामाजिक विकास में सुधार हो, महिलाओं युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से और सशक्त बनाया जाए। कृषि पर चर्चा करते हुए कहा कि मैंने इसके लिए भी योजना बना ली है, अब खेती घाटे का सौदा नहीं होगा, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी और सरकार द्वारा संचालित योजना का सही सही पालन किया जाएगा। माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदने मातृभूमि, आज आप सबों के बीच आकर काफी प्रसन्नता हो रही है। आज साहब आप इस पावन धरती पर ग्राम बिल्लार में आज जनसंपर्क अभियान की अध्यक्षता कर रहे युवा नेता पिकनिक सिंह जी, इस मौके पर हमारे आदरणीय राम नारायण राय जी, अखिल भारत प्रतिनिधि महासभा के जिला के अध्यक्ष और भाजपा जिला के मंत्री संतोष कुमार चंद्रवंशी जी, अपने अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षेत्रीय महासभा के अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी भगवान चंद्रवंशी जी, रंजीत राज जी, बैनाथ उपाध्याय जी, राजेश राय जी, कमलेश उपाध्याय जी, सिया राम राय जी, संजीत राय जी सहित आज के कार्यक्रम सम्मिलित देवी और सज्जनों, मित्रों और साथियों, सभी हमारे भाई और बहन, मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह जो हमारा विधानसभा लगा के और यह आजादी की लड़ाई से लेकर
देश के विकास के हमारे तरारी विधानसभा में आप सब जानते हैं आजादी की लड़ाई से लेकर और आप देख रहे हैं देश के विकास में तरारी के भाई और बहन का बड़ा सहयोग है। आज तरारी की धरती पर अनेकों बनाने का मौका मिला है। अभी हम सब कई गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता विकास चाहती है और शांति चाहती है करके। और आपने देखा है जब से बिहार में भाजपा जदयू की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, बिहार बदलने लगा है। बिहार की सड़कों का जाल बिछाया हम लोगों ने। ये जो हमारा नदी है अरवल सहार पर एक बड़ा पुल बनाया गया है। सिन्हा के पास आरक्षण का पुल बनाया गया है। यानी पूरे राज्य में भारत सरकार में लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने आज बिहार में जिसका विकास हो रहा है, हर गांव गांव में बिजली पहुंचाई गई है। और सरकार कोरोना काल से लेकर आज तक गरीब लोगों 80 करोड़ लोगों का सरकार हमारे खुद सारा देने का काम करे। किसान भाइयों को आजादी के बाद पहली सरकार है, और कल छठ पूजा है। छठ पर्व के बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। साथियों, बड़े ही विपरीत परिस्थिति में ये चुनाव हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों के उम्मीदवार आरके सिंह लोकसभा के सदस्य थे और माननीय मंत्री थे, चुनाव जब हार गए तो मजबूरन जो है वो चुनाव हुआ। और ये चुनाव मात्र 10 महीने का, 2025 में तो फिर चुनाव हुआ और आप ही मतदाता रहेंगे। आप लोगों से मेरा 3 प्रश्न है। हम तो आपके विधायक 2000 से लेकर 2015 तक रहे, क्या स्थितियां थी इस गांव की आने जाने के? हम जब आए थे तो आप लोगों का एक ही मांग था कि किसी तरह बाबा हम लोगों का सड़क बन जाए। सड़क बनवा दिया, गांव में बिजली की व्यवस्था हमने करा दी। अब तो आप केबल भी देख रहे हैं, चारों तरफ से केबल बिछा हुआ है। गांव में ढलाई का भी जो काम हुआ वो हमने दिया, ढलाई भी हुआ। तो भाई ये तो हमारा है, इसलिए हम भी गांव की समस्या होती है करते हैं। इसके लिए हमारा दूसरा प्रयास होगा, तीसरा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत जोड़ देना, ताकि बच्चों को जल्दी अच्छा एजुकेशन मिल सके। और गांव बाई गांव जो भी एजेंडा ले रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ फील्ड दिखा आते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना हमारे पास मैदान है, बहुत सारे गांव में मैदान भी नहीं है, लेकिन सरकार जल्दी ही अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। जहां भी उनको सरकारी जमीन बड़ा मिलेगा और वो मेरी नजर में आएगा तो मैं मिनी स्टेडियम या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए युवाओं के साथ हमेशा खड़ा हूँ। सबसे पहले उनको रनिंग ट्रैक की भी जरूरत है, वो भी हमारे दिमाग में है। फिर गांव में डिजिटल लाइब्रेरीज की जरूरत है, वो भी हमारे दिमाग में। ये सब हमारे एजेंडे में, और खास करके किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों लोग से मेरा निवेदन है कि हम आएंगे, लोग जल्दी भरोसा करते नहीं है, क्योंकि फसल है हमारा। फसल में मान लीजिए हम बोलेंगे ये वाला बिया नहीं, ये वाला रुपये, तो आप हम पे भरोसा ही नहीं कीजिएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं, जो धान की खेती हम लोग करते हैं वो 2000 रुपये क्विंटल बिकता है मार्केट में, लेकिन वही धान अगर उतना ही दर का हमें 6000 वाला बीज मिल जाए, जो 6000 क्विंटल में लोग यहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं, तो आपको लगाने में दिक्कत क्या है? हम पहले 5 कट्ठा 10 कट्ठा करके एक बार कोशिश करेंगे, अगर 6000 में बिका तो सब में लगा देंगे। यही हरियाणा में हो रहा है, यही पंजाब में हो रहा है। इन सब चीज़ों को हम लाएंगे, और जो लोग नहीं मानेंगे हर पंचायत में एक एक बीघा खेती हम खुद करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना पैसा हमको आमदनी हुआ। उसके बीच में फिर हर पंचायत स्तर पर हम एक उपकरण मशीन भेजने वाले हैं, उस मशीन से आपके खेत की मिट्टी की जांच होगी और तुरंत एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपको पर बीघा में कितना खाद डालना है और कितना नहीं डालना है। लोग एक आमतौर पर खाद डालते रहते हैं, जिससे कि खाद का रेट सबसे ज़्यादा होता है और उससे दिक्कत होती है। उन सब चीज़ों का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं, हमारे एजेंडे में है।
हम लोग जब आएंगे तो उसमें जरूर बैठक करके गांव गांव इन चीज़ों को हम कराएंगे। हमारे साथ बहुत सारी कंपनी जुड़ी है, जैसे डाबर कंपनी है जो चमनप्रास बनाती है, उनके जो लोग आए हुए थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, उन लोगों ने हमें बताया कि जो गेहूँ से धान के बीच में हमें जगह मिलता है, समय मिलता है, उस समय में अगर हम लोग एक फसल बोते हैं, आयुर्वेदिक फसल कुछ बता रहे थे नाम उसका, तो वो लोग खेती करने का पैसा भी देंगे और फसल खुद खरीदेंगे भी, तो हमारा नुकसान क्या है, सिर्फ मेहनत का, एक बार देखने में क्या जाता है, उसको भी देखा जाएगा। और वो बोल रहे हैं कि प्रति एकड़ आपको 35 से 40 हज़ार रुपये सिर्फ उतने में मिल जाएगा, तो ये सब हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारी योजनाएं, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि ब्लॉक स्तर पर इतना घुसखोरी और चीज़ें बढ़ गई हैं कि हमें आने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं ये लोग कहाँ से यहाँ रह जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मुझे भैया फैक्ट्री लगाए का तो ये सब बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। हम लोग 3 महीना के अंदर सारा पुराना बिजली बिल माफ कराएंगे, और जो नया बिजली बिल भी आ रहा है उसका कम दर करवाने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो भी सरकार जान रही है कि राशन कार्ड दे रही है लोगों को, उनके पास अनाज के लिए पैसे नहीं है, तो बिजली बिल के पैसे वो कहाँ से देंगे? इसका मतलब आप अंधेरे में तो नहीं ढकेल सकते, तो कुछ यूनिट उनको फ्री करना पड़ेगा, मुफ्त में देना पड़ेगा, जैसे 2 लाइट 1 पंखा। लेकिन आपको आगे का सोचना है, जो लड़का 9 साल पहले 9 साल का था, वो जब यहाँ आप लोग ने वोटिंग करके हमें हटाया और किसी और को लाया, आज वो 18 साल का हो गया है, और वो आपसे पूछता है, वो 18 साल का युवा, कि मैं किसको वोट दूं और किस लिए वोट दूं, आप क्या सिखाएंगे, जात पात पे कि विकास पे? ये याद रखिएगा, वो 18 साल के लड़के को जो आप सिखाइएगा, आगे आने वाली जनरेशन भी वही सीखेगी। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।